आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेहा की रसोई में। और आज हम लोग मैगी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने लिया है 4 पैकेट मैगी, और यहाँ पे हमने टमाटर लिया है जिसको हमने काट लिया है, अदरक है, मिर्च है, हरा लहसुन है, धनिया है और प्याज है, सबको हमने काट लिया है। और ये लिया है हमने मटर। तो चलिए मैगी बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई रख दिया है और इसमें तेल डाल दिया है। तेल जो है हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग अदरक डाल देते हैं और साथ में जो है लहसुन डाल देते हैं इसमें हरा। इसमें हम लोग मिर्च भी डाल देते हैं साथ में, और इन सभी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए अच्छे से हम लोग भून लेते हैं। देखिए थोड़ी देर भूनने के बाद हम लोग इसमें प्याज भी डाल देते हैं। तो देखिए प्याज जो है अच्छे से भून गया है, तो हम लोग इसमें टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को भी अच्छे से हम लोग थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। अब हम लोग इसमें जो मटर है वो भी डाल देते हैं और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम लोग भून लेते हैं। ये देखिए अच्छे से हमने भून लिया है, तो अब हम लोग इसमें पानी डाल देते हैं। ज़्यादा पानी हम लोग नहीं डालेंगे, सूखा मैगी बना रहे हैं। और इसमें जो मैगी मसाला आता है, यानी कि मैगी में जो मसाला रहता है, उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो देखिए हमने मसाला इसमें डाल दिया है, तो इसमें हम लोग स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और मैगी जो है उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। ये देखिए हमने मैगी इसमें डाल दिया है, तो ऊपर से हम लोग इसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं और इसको ढक देते हैं और इसको सही पकने देंगे। ये देखिए हमारी जो मैगी है वो बनके तैयार है। 3 से 4 मिनट लगे इसे बनने में। ये देख सकते हैं आप। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी गर्मा गर्म मैगी जो है वो बनके तैयार है। हमने ऊपर से धनिया पत्ता डाल दिया है, देख सकते हैं आप। तो कैसी लगी आप लोग को हमारी ये वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।